जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत करता हूं आपके ही चैनल हेल्प बाई संदीप में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी वैकेंसी जिसका नाम है आंगनवाड़ी वैकेंसी। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट निकली है दोस्तों, 50,000। जी हां दोस्तों, 50,000 लगभग वैकेंसी इसमें निकली हुई है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। तो दोस्तों, ये सरकारी रिजल्ट की साइट है जिस पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश ऑल डिस्ट्रिक्ट आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2021। 50,000 वैकेंसी है, कैसे कैसे आवेदन होगा वो सब मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैकेंसी स्टार्ट हुई है 11 जून से हो गई हैं। कुछ ज़िलों में दोस्तों ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो हो गई है, बस उनका रिजल्ट आना शेष है। क्योंकि दोस्तों, ये जो इसमें एग्ज़ाम तो होगा नहीं और इसमें मेरिट लिस्ट लगेगी, ऐसी संभावना की जा रही है। दोस्तों, इसमें अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो इसमें आपको 10th पास होना चाहिए या 5th क्लास आपने पास कर रखी हो। ये जो वैकेंसी है मेल वैकेंसी नहीं है, ये फीमेल वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें जो मिनिमम एज है 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 45 इसमें होगा। किसी भी तरह का जनरल हो, चाहे OBC हो, SC हो, ST हो, कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। पोस्ट की बात करें तो इसमें जो पोस्ट है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 10th चाहिए और जो मिनी आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनके लिए भी 10th एलिजिबिलिटी होगी, यानी कि हाई स्कूल एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए। सेकंड बात करते हैं आंगनवाड़ी हेल्पर की, तो हेल्पर के लिए आपको 5th क्लास पास होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो आपका फॉर्म है किस तरह से फिलअप होगा, क्या क्या इसमें आपको रिक्वायरमेंट होगा। दोस्तों, फिलअप करने के लिए आपको जो वेबसाइट है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ICDS UP की, उस पर आपको जाना होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो देखना है केवल और इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना होगा, क्योंकि जो मैंने सेकंड वीडियो फॉर्म की बना रखी है कि किस तरह से आपको फॉर्म को फिलअप करना है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूँगा उसका, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड और ID प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड चल जाएगा, और उसमें आपको दोस्तों जो आपकी ID है यानी कि जो आपकी मार्कशीट वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, इनको आपको अपने पास रखना होगा। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट नेम मेरठ, मैनपुरी, अलीगढ़, औरैया, बरेली और भदोही, देवरिया, एटा, हरदोई, संत कबीर नगर, पीलीभीत, झांसी, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर, रायबरेली और दोस्तों काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें वैकेंसी आने वाली है। और मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें ये वैकेंसी पूर्ण हो गई है। तो दोस्तों, इसमें सीधा सा है, आपको आवेदन करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको मेरठ से अप्लाई करना है, तो मेरठ से अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर जहाँ पे मेरठ होगा वहाँ पर आपको देखना होगा और उसके सामने लिखा होगा क्लिक हेयर, जहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू कलर में लिखा हुआ है, तो क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना होगा और वहाँ से आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से होगा, तो आइए चलते हैं। दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर मेरठ लिखा हुआ है, हमने क्लिक किया तो यह जो ICDS की साइट है यानी कि बाल विकास पुष्टाहार की साइट है ओपन हो गई है। सिंपल सा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, ये जो फॉर्म आपको भरना है, मेन बात यह है कि ये आपको किस तरह से भरना होगा, तो ये मैंने पहले से ही वीडियो बनाकर रख दी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाइए और प्रॉपर आपको जैसे मैंने वहाँ पर किया हुआ है सेम उसी तरह से आप कर लीजिए, 100% आपका जो फॉर्म है बिल्कुल अच्छे तरीके से फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।